हेलो दोस्तों, मेरे वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में आपको फोसट हब का मैक्रो वॉलेट कैसे बनाते हैं इसके बारे में बताऊंगा। दोस्तों, वीडियो देखने से पहले कृपया मेरे इस चैनल को वीडियो के नीचे लाल बटन पर जाकर सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें, जिससे कि मेरे नए और पुराने वीडियोज़ आप देख सकें। दोस्तों, फोसट हब का मैंने ज्वाइनिंग लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पर दिया है। जैसे ही आप उस लिंक को क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके का पेज ओपन होगा। उस पेज में साइन अप के ऑप्शन पर हमें क्लिक करना है। साइन अप के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो क्रिएट एन अकाउंट एक फॉर्म छोटा सा खुलेगा। इस फॉर्म में हमें यूज़र नेम देना है अपना। आप अपना मनपसंद यूज़र नेम दे सकते हैं और यहाँ आपको अपनी ईमेल आईडी देनी है। ईमेल आईडी देने के बाद सेम वही आईडी आपको यहाँ नीचे फिर देनी है और यहाँ आपको बिटकॉइन का वॉलेट एड्रेस देना है जहाँ पर आपको ये पैसा ये बिटकॉइंस आपको मंगाने हैं। नीचे पासवर्ड देना है, वही पासवर्ड को नीचे फिर लिखना है। आई एग्री पर यहाँ आपको क्लिक करना है और ये कैप्चा दिया हुआ है, प्लीज़ एंटर इटालियन होजी। इस कैप्चा को आपको इस बॉक्स में लिखना है। और यहाँ साइनअप के बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप साइनअप के बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से एक ईमेल आपकी जीमेल आईडी पर जाएगा और वहाँ से आपको उसे फोसट हब एक्टिवेट योर अकाउंट, उस पर आपको मेल को खोलकर और एक्टिवेट का एक ऑप्शन होगा, उसे यहाँ आप क्लिक करेंगे तो आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा और फिर आप वहाँ उसमें लॉगिन हो सकते हैं। दोस्तों, मेरा अकाउंट पहले से ही बना हुआ है, इसलिए मैं यहाँ पर आपको सीधा लॉगिन करके बताता हूँ। यूज़र नेम देना है, यहाँ पासवर्ड आपको देना है, और यहाँ नीचे एक कैप्चा दिया हुआ है, इस कैप्चा को नीचे यहाँ लिखना है आपको। और यहाँ लॉगिन के बटन पर क्लिक करना है। देखिए, मैं इस साइट में फोसट हब में माइक्रो वॉलेट में एंटर हो चुका हूँ और यहाँ मैं कई बार पेमेंट ले चुका हूँ और यहाँ से विड्रॉल भी कर चुका हूँ। अभी मेरे यहाँ बिटकॉइन में 33,665 सतोशीज हैं। यहाँ आपको अपना पेमेंट किसी भी साइट में आप जब काम करते हैं तो यहाँ माइक्रो वॉलेट जहाँ फोसट हब मांगा जाता है वहाँ से आप फोसट हब में ट्रांसफ़र करेंगे फ़ंड को और यहाँ से आप अपने जो आपका बिटकॉइन मेन वॉलेट होता है वहाँ आप यहाँ इसको भेज सकते हैं यहाँ से। तो उसके लिए प्रोसेस ये होता है, यूज़र डैशबोर्ड में यहाँ से खोलता हूँ। जैसे मैंने यूज़र डैशबोर्ड खोला तो ये देखिए, अब मैं यहां से आपको विड्रॉल करके दिखाता हूं। वॉलेट बैलेंस मेरा ये है, अब यहां विड्रॉल बैलेंस पर मैं आपको क्लिक करता हूं यहां पर बिटकॉइन पर, तो सबमिट है बिटकॉइन, तो इसमें मुझे बिटकॉइन मैं अपने मैं यहाँ से ई वोट साइट पर यहाँ पर पेमेंट को लेना चाहता हूँ, इसलिए मैं ई वोट वाली साइट के एड्रेस को यहाँ पर डाल देता हूँ। और वैसे मेरा यूनिकॉर्न पे भी है, बिट्रेक्स पर भी है, लेकिन मैं इस पेमेंट को साइट पर ले जाना चाहता हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर उसका एड्रेस मैंने डाल दिया है ई वोट साइट का अपना। और मुझे पूरा बैलेंस निकालना है, इसलिए मैं यहाँ से इसको पूरा यहाँ पर लिख देता हूँ, उसको कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ और सबमिट टू विड्रेस रिक्वेस्ट, योर विड्रॉल विल बी टेक अप 24 से 48 आवर्स तक ये मेरा पेमेंट निकल जाएगा। तो मैं यहाँ पर सबमिट विड्रॉ रिक्वेस्ट पर क्लिक करता हूँ। देखिए, यहाँ मेरा जो बिटकॉइंस थे वो 0 हो गए और यहाँ नीचे आ गया विड्रॉ सबमिटेड, योर विड्रॉ रिक्वेस्ट हैज़ बीन रिसीव्ड
एंड विल बी प्रोसेस्ड विद इन 24 to 48 आवर्स, सबमिट विद द रिक्वेस्ट। देखिए नीचे दिखा रहा है, ये जस्ट नाउ पेंडिंग प्रोसेसिंग चल रही है इसमें। वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। आप सीख गए होंगे कि फोसर टब अकाउंट कैसे बनाते हैं, उसमें विड्रॉल कैसे कर। फोसर टब माइक्रो वॉलेट से मैंने जो विड्रॉल किया था वो मेरा विड्रॉल ई वोट में आ चुका है। मैं आपको ई वोट का अकाउंट अपना खोल के दिखाता हूँ। मैं देखिए ये डिपॉजिट बिजली सी 33,365 सतोसीज मेरी यहाँ पर आ चुकी हैं। ट्रांजैक्शन आईडी ये लिखी हुई है, देखिए अकाउंट में इसको क्लिक करता हूँ तो बिटकॉइन में देखिए 33,365। ये लाइव प्रूफ मैंने आपको दिखाया। दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।